हेलो चैंपियंस, वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। वर्ल्ड कप 2023 में खेला जाने वाला 29वां और बहुत बड़ा महामुकाबला जो कि खेला जाने वाला है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में 29 अक्टूबर को 2 बजे दोपहर में इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में ये मुकाबला शेड्यूल्ड है। तो क्या एक हाईएस्ट स्कोरिंग मैच हम देखने वाले हैं या इस मैच में कम स्कोर बनने वाला है? गाइस, पूरी गेम की बात करें तो पूरा मोमेंटम इंडिया के तरफ होने वाला है, बिकॉज इंडिया हैव नॉट लॉस्ट अ सिंगल गेम इन दिस टूर्नामेंट। वहीं अगर बात करें इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, पॉइंट टेबल में सबसे नीचे स्थान पे। तो यहाँ पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इंग्लैंड यहाँ इज्जत की लड़ाई किस तरह से लड़ने वाली, क्योंकि इंग्लैंड के पास देखो गाइस अब खोने के लिए कुछ है नहीं। ऑलमोस्ट इंग्लैंड वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, क्योंकि अगर इनको अगर वर्ल्ड कप में जगह बनानी है तो आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कंटिन्यूअसली मैच हारने पड़ेंगे, जो कि नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया एकदम फॉर्म में आ चुकी है। तो गाइस यहां पर इंग्लैंड मुझे लग रहा है इस मैच में अपना 500% देगी। वहीं इंडिया जो कि यहाँ अनबीटेबल है अभी तक से, क्या पहला मात खाने वाली है, ये सारी बातें करेंगे। इसके अलावा इस मैच में आपके फैंटेसी में कौन दिलाने वाला है ज्यादा पॉइंट? लास्ट मैच में हमने धमाल मचाया था, रचिन रविंद्र हमारा कैप्टन जिसने वन साइडेड विनिंग कराई है गाइस। इसके अलावा आप चाहे गेंदबाजी में देख लो, एडम जेम्पा हमारे टीम में प्लस पॉइंट है सारे ही मैच, चाहे अब नीदरलैंड वाला मैच उठा के देख लो, वहां भी हमने क्लीन स्वीप कराया है, बहुत ही गजब की टीम प्रोवाइड की है। और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में हमारे पास ट्रेविस हेड, हमारे पास आपके वार्नर, दोनों ही खिलाड़ी टीम में मौजूद थे। इसके अलावा कैप्टन, वाइस कैप्टन सारे हमारे बेस्ट गए। तो गाइस ये बात होती है, ऐसे ही आगे भी विनिंग जबरदस्त कराएंगे इस तगड़े मैच में। कैसे जीतोगे, कैसे बनाओगे टीम? यहां पर अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो कैसे बनेगी टीम? कैप्टन, वाइस कैप्टन किसके साथ जाना है, कौन सा टॉप ऑर्डर का बैटर होने वाला है इस मैच में जिसको आप ड्रॉप कर सकते हो? इसके अलावा अगर गेंदबाजी करती है तो वो कौन कौन सी गेंदबाजी आपके टीम में रहना इंपॉर्टेंट रहने वाला है? इसके साथ हम आपको बताएंगे इस मैच की ग्रैंड लीग टीम क्या रहने वाली है, वेन्यू, स्टार्स, रीसेंट परफॉर्मेंस, 2200 खिलाड़ियों की बॉलिंग ऑर्डर दोनों टीम की क्या रहेगी, हेड टू हेड रिकॉर्ड, ग्रैंड लीग पिक्स और ट्रम्प कार्ड प्लेयर इस मैच के कौन से रहने वाले, मतलब कि गेम चेंजिंग प्लेयर। तो गाइस यहां पर गेम चेंजिंग प्लेयर कौन बनेगा? रोहित शर्मा के बल्ले से क्या फिर से वैसी पारी, एक स्टार्ट वैसा देंगे अपनी टीम को जिससे कि इंडिया अभी तक जीतते आई है? विराट कोहली बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे, क्या वही अंदाज इस मैच में भी नजर आने वाला है? सामने टीम से अगर बात करें रूट की, मलान की, बेस्टो की, बटलर की, इन चार में से क्या इस मैच में 2 सेंचुरी लगेगी? इसके साथ अगर हम ऑलराउंडर में बात करें गाइस, तो वहां पर आपके पास ऑप्शन रहने वाला है रविंद्र जडेजा और डेविड विली, दोनों ही इस मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कौन से खिलाड़ी को आप ड्रॉप कर सकते हो? इसके अलावा गेंदबाजी की बात करें तो हमारे पास क्रिस वोक्स, हमारे पास आदिल रशीद, हमारे पास जसप्रीत बुमराह, इसके अलावा कुलदीप यादव। तो गाइस बहुत टफ रहने वाला है टीम क्रिएट करना और इस मैच में, तो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन आपको सारे प्रूफ जितनी विनिंग अभी तक वर्ल्ड कप ने हमने कराई, 28 में से गाइस 25 मैच में क्लीन स्वीप कराया फैंटेसी क्रिकबॉल ने, हमसे ज्यादा विनिंग इस वर्ल्ड कप ने किसी ने नहीं कराई है, क्योंकि गाइस दिल से काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, तो वो चीज आप तक पहुंच भी रही है। तो गाइस वो बात होती है, बाकी आपको सारा प्रूफ, सारे स्क्रीनशॉट, सेम टीम जो आपको प्रोवाइड किए गए, सेम टीम के कितने पॉइंट आए, कितनी विनिंग हुई है, सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। लेकिन उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन है, तो फटाफट जाओ ज्वाइन कर लो। ज्वाइन होने का मन नहीं है तो प्रेशर नहीं देने वाले, आप जाके चेक करो, एटलीस्ट जाके चेक करो, अगर लगेगा बाद में चाहिए आप भी उस टीम के साथ खेलते तो विनिंग होती, तो गाइज वहां पर आपको ज्वाइन हो जाना। और इंडिया का मैच है तो बहुत बड़ा गिव अवे, 5 फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर राउंड में। इस बार क्वेश्चन थोड़ा अलग आने वाला है, तो वीडियो पूरी देखिएगा गाइज, इस बार दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, दोनों क्वेश्चन का जवाब सही सही देना है और वो भी सबसे पहले देना है। इसके अलावा गाइज हमारा थर्ड ऑप्शन है कि यहाँ पर 5 बेस्ट कॉमेंट को भी मिलने वाला है, कॉमेंट ऑफ द डे, यहाँ उसमें भी 5 मिनट बनेंगे, तो भर के यहां पर कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो गाइस। इस मैच में आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए गाइस आगे बात करते हैं, यहां चैनल में नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, यहां नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का, सबसे पहले चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, उसके ऊपर जस्ट आपको ऑप्शन दिखेगा मोर का, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे ना गाइस आपके फोन में ओपन होगा ये पेज, यहां पर दिखेगी मेरे टेलीग्राम की लिंक, लिंक पे क्लिक करना है, टेलीग्राम ओपन हो जाएगा, यहां से आपको ज्वाइन कर
करना है। बाकी गाइस देखो, अगर आप चाहो तो आप सर्च भी कर सकते हो फैंटेसी क्रिक बॉल ऑफिशियल, आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी रहती है कि आप लिंक से ज्वाइन करो, ताकि किसी भी फेक चैनल में आप मत चले जाओ, हमारा रियल चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल में, जहां पर आपको हर एक मैच की फ्री टीम मिलती है, चाहे टीम ग्रैंड लीग की हो या स्मॉल लीग की हो, कंप्लीटली फ्री टीम मिलती है, किसी से भी आज तक एक भी रुपए नहीं लिए गए। इसके अलावा आपको देखो गाइस, किसी भी फैंटेसी ऐप से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, रिलेटेड टू योर विड्रॉल, रिलेटेड टू योर वेरिफिकेशन, आपको कोई भी चीजें जाननी हो, क्या इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए, क्या बजट होना चाहिए, किस मैच में कितना इन्वेस्ट करना है, कौन सा मैच रिस्की है, ये सारी आपको पूरा होल पैकेज आपको मिलेगा फ्री में। तो गाइस उसके लिए बस आपको मेरा टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, मेरे फैमिली का हिस्सा बनना पड़ेगा। 85,000 से ज्यादा लोगों ने इतना जल्दी विश्वास दिखाया है क्रिक बॉल पे, तो आप भी बन जाओ मेरे परिवार का हिस्सा, जिससे कि आपके पास भी एक बेहतर प्रेडिक्शन पहुंच सके, एक दिल से जो काम किया जा रहा है वो आप तक पहुंच सके। बाकी गाइस चैनल को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ये वर्ल्ड कप आपको खेलना कहां है, जीएसटी फ्री एप्लीकेशन, आप मुझसे बहुत पूछते रहते हो, तो जीएसटी फ्री एप्लीकेशन स्पोर्ट्स बाजी पे मैं खुद खेलती हूं, और इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट कर रही हूं कि गाइस स्पोर्ट्स बाजी डाउनलोड करो और खेलना शुरू करो, धड़ाधड़ विनिंग करना शुरू करो, क्योंकि इस मैच में 3 लाख का मेगा जीएल मिलने वाला है। गाइस डाउनलोड आप करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसने जिसने नहीं डाउनलोड किया है फटाफट जाओ डाउनलोड करो, और वहां पर डाउनलोड करने के बाद गाइस देखो, अगर आप चाहो ना तो आप ये मेगा जीएल फ्री में भी खेल सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या, आपको 500 रुपए का कैश डिपॉजिट करना है, उसके बाद आपको एसबी मेगा कोड यूज करना है, उस कोड यूज करने के बाद आपको फ्री टिकट मिलेगा मेगा लीग में फ्री खेलने के लिए। फ्री कॉन्टेस्ट बहुत एप्लीकेशन देगी, लेकिन मेगा लीग में फ्री खेलने के लिए कोई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी जीत सकते हो। अगर आपकी एक बेहतर टीम बनती है तो आप यहाँ पर 2 लाख 3 लाख जीत सकते हो गाइस, वो भी फ्री में। तो डाउनलोड करो, खेलना स्टार्ट करो, और पैसे आपके एज इट इज रहेंगे, जिसको आप फर्दर यूज कर सकोगे स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग या फिर स्टार फैंटेसी में। इसके अलावा इंडिया के मैच में क्या स्पेशल आने वाला है, तो 10 रुपए में आपको मिलने वाला है आईफोन 14। मस्त ऑफर है यार, जाओ फटाफट खेलो और आईफोन 14 घर ले जाओ। इसके अलावा अगर आपके पास पैसे नहीं भी लगाने हैं ना, सिर्फ 1 रुपए लगा के, 1 रुपए लगा के आप 25,000 भी जीत सकते हो। तो गाइज ऐसे सारे आपको कॉन्टेस्ट आपको एप्लीकेशन में दिखेंगे, उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सिर्फ एक काम करना है कि वहां पर आपको अगर रेफर कोड नहीं दिखेगा तो रेफर कोड क्रिक बॉल यूज जरूर करना है, ताकि आपकी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको सॉल्व करा सकें। चलिए गाइज आगे बात कर लेते हैं मैच वेन्यू की। काना में मैच है, और हम सबको पता है ये ऑलमोस्ट, देखो मुझे लग रहा है वो साउथ अफ्रीका वाला मैच जिस पिच पे हुआ था वहीं पर ये मैच होगा, तो वहां पर काफी अच्छे खासे रन बने थे, और इस मैच में भी एक अच्छा खासा रन बन सकता है। बॉलिंग की बात करें तो पेसर स्पिनर दोनों को पता था, लेकिन आपके इनिशियल ओवर में पेसर ही ज्यादा विकेट निकाल के आपको देने वाले। स्टार्स की बात करेंगे गाइस, जिससे कि आपके कंफ्यूजन और क्लियर हो जाएंगे, तो टोटल देखो 7 मैच खेले गए, जिसमें से चेस करने वाली टीम ने ज्यादातर मैचेस जीते। एवरेज स्कोर 230 है, हाईएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका ने 311 पे 7, लोएस्ट स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने 177 पे 10 विकेट है। स्कोरिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 7 में से 1 मुकाबला 200 से नीचे का हुआ था, 3 मुकाबले 200 से 249, 2 मुकाबले हुए थे 200 से 299, और 1 मुकाबला आपका 300 प्लस वाला भी हुआ था। पेस वर्सेस स्पिन में मैंने आपको पहले ही बताया कि रीसेंट में पेसर को ज्यादा मदद है। गाइस आखिरी जो मैच खेला गया था यहाँ पर नीदरलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेला गया था, जिस मैच को श्रीलंका ने जीता था, यहाँ 15 विकेटें गिरी थी, जिसमें से आपकी 9 विकेटें निकाली थी आपके पेसर ने, मात्र 5 विकेट मिली थी आपके स्पिनर को। एक और मैच देखेंगे श्रीलंका वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच जो खेला गया था, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने चेस करते हुए जीता था, 15 विकेटें गिरी थी, 15 में से 7 विकेटें निकाली थी आपके पेसर ने और मात्र 6 विकेटें निकाली थी आपके स्पिनर ने। ये वाला मैच देखते हैं, ये तगड़ा मैच हुआ था, जहां साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 311 रन मारे थे, ऑस्ट्रेलिया को हरा दी थी यहाँ पर बहुत बड़े अंतर से। टोटल देखो 17 विकेटें गिरी थी यहाँ पर, जिसमें से आपकी 10 विकेट लिया था आपके पेसर ने और यहाँ पर 7 विकेट निकाला था आपके स्पिनर ने। लेकिन गाइस देखो, आप ऐसा इस पेसर को ज्यादा मदद है ये मैंने आपको बताया, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, स्पिनर को भी हर मैच में बराबर 1-2 विकेट कम विकेट मिल रही है। और मजे की बात देखो ना, तीनों ही मैच में एक कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर तीनों मैच में ये है कि आपके देखो फर्स्ट इनिंग में, 2 मैच में फर्स्ट इनिंग में पूरे पूरे विकेट गिरे हैं, 10 विकेट गिरे हैं, सेकंड इनिंग में कम विकेट गिर रही है, लेकिन ये वाले मैच में सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट गिरी थी, क्योंकि रन भी ज्यादा बने थे। तो गाइस यहां पर भी अगर इंडिया पहले बैटिंग करने आती है तो स्कोर बहुत अच्छा खासा बनेगा, तो इंग्लैंड के विकेट जल्दी जाने के चांसेस रहने वाले, ये चीज याद रखिएगा। और इंग्लैंड पहले बैटिंग आती है तो फिर से हो सकता है इस मैच में पूरे 10 विकेट गिरेंगे और आपके बॉलर्स इंडिया की तरफ से आपको बहुत ज्यादा पॉइंट दिला के ले जाएंगे, लेकिन वो कौन
कौन से गेंदबाज होंगे ये हम स्टार्स में बात करेंगे। तो गाइज अगर बात करें हमारी मेन इन ब्लू की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, तो इंडिया की तरफ से ओपन करने आएंगे हिटमैन रोहित शर्मा, जो बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। कप्तानी पारी, वो कप्तानी वाली परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, नजर आ रहा है वर्ल्ड कप बहुत पास है, उनका साथ देते हुए दिखेंगे। शुभमन गिल, जो कि मैं अगर बात करूं टॉप फोर में, शुभमन मुझे थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन विराट कोहली द रन मशीन बैक टू बैक फायर करते हुए। उसके बाद देखो श्रेयस अय्यर की इंपॉर्टेंस इस मैच में बहुत ज्यादा रहेगी। केएल राहुल जो कि स्टार्ट स्लो कर रहे हैं लेकिन उसके बाद स्पीड बदल दे रहे हैं अपना और एक्सीलेटर पे पैर रख के चल जा रहे हैं। उसके बाद नजर आएंगे स्काई सूर्य कुमार यादव, चारों दिशा में शॉट लगेगी। फिर देखने को मिलेंगे हमारे जड्डू भाई जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से परफॉर्मेंस देंगे। कुलदीप इस मैच में ट्रंप प्लेयर बन सकते हैं, जीएल में आप ट्राई करना है। इसके अलावा शमी बुमराह मेरे मस्ट पिक प्लेयर रहने वाले हैं। यहाँ पर सिराज को थोड़ा सा मैं शमी से नीचे देख रही हूँ, लेकिन हमारे पास अगर ऑप्शन होगी ग्रैंड लीग में मल्टीपल टीम बनाने की तो हम वहां सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। तो गाइस अब बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के आखिरी पांच मुकाबले के स्टैट्स के साथ साथ वेन्यू पे क्या परफॉर्मेंस है, इंग्लैंड के अगेंस्ट कौन सा खिलाड़ी हर बार बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो आगे देख सकते हैं, सबसे पहले रोहित शर्मा की अगर हम बात करें ना, पारी देखो आप रोहित की 130, 86, 48, 46, मतलब सारे मैच में, हालांकि ये डिग्रेडेशन होते हुए चला जा रहा है, ये ग्राफ नीचे आ रहा है, लेकिन फिर भी इस मैच में मुझे लग रहा है रोहित इस मैच में भी 30-40 रन तो कंफर्म बनाने वाले, स्टार्ट देंगे अपनी टीम को। इंग्लैंड के अगेंस्ट 19 मैच में 637 रन, 45 का एवरेज है। बात करें शुभमन की 74 रन 104, इसके बाद देखो लास्ट मैच में कुछ खास नहीं किया था, उससे पहले हाफ सेंचुरी लगाई थी। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है बहुत बड़ा स्कोर तो शुभमन नहीं करेंगे, यहाँ पर वेन्यू पे भी स्टैट्स अच्छे हैं नहीं। विराट कोहली की बात करेंगे 85, 55, 16, 103, लास्ट मैच में केवल 5 रन अपने शतक से दूर रह गए थे। इंग्लैंड के अगेंस्ट 35 मैच में 1300 से ऊपर रन और 43 के एवरेज से बनाया गया है, बहुत गजब का स्कोर है। फिर बात करें अगर श्रेयस अय्यर की 25, 53, 19, 33, आप यहाँ पर देखो इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच में 6 रन, वेन्यू पे एक मैच खेला है, हाफ सेंचुरी लगाई है, वेन्यू पे स्टैट्स अच्छा है यहाँ पर श्रेयस का। फिर बात करें राहुल की 97, 19, 34, 37, इंग्लैंड के अगेंस्ट 9 मैच में 210 रन, 30 की एवरेज है। सूर्य कुमार यादव 26, 50, 72, लास्ट दो मैच फ्लॉप होने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ग्रैंड लीग में सूर्य कुमार यादव हमारी यहाँ पर ट्रंप प्लेयर रहेंगे और हमको ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 2 मैच में 43 रन मारा है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें अपने जडेजा की, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, लास्ट मैच में 39 रन। इंग्लैंड के अगेंस्ट 24 मैच में 501 रन, 38 विकेट निकाल चुके हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका भी रहा है। यहाँ पर कुलदीप की बात करें, विकेट टेकर बॉलर यहाँ पर हमारे चाइना मैन, लास्ट 3 मैच में अगर आप देखो 5 विकेट मिली है, 2 मैच में 2-2 विकेट निकाली है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 6 मैच में 10 विकेट, थोड़े महंगे साबित हुए थे, वेन्यू पे एक मैच में 1 विकेट लिया है। शमी की बात करें, 1 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, यार भाई है ना, या तो मतलब 1 विकेट आ रही है नहीं तो 5 विकेट आ रही है। यहाँ पर भी देखो 1-2 विकेट तो आने वाली है, होप सो 5 विकेट आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। इंग्लैंड के अगेंस्ट 14 मैच में 21 विकेट निकाली है, 5 की इकोनॉमी के साथ। फिर अगर हम यहाँ पर देखें बुमराह की, बुमराह 2 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, मल्टीपल हर मैच में विकेट निकाल रहे हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। इंग्लैंड के अगेंस्ट 6 मैच में 14 विकेटें, सिराज 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। यहाँ पर अगर बात करें सिराज की, इंग्लैंड के अगेंस्ट 1 मैच खेला है, 2 विकेट निकाली है, वेन्यू पे विकेट नहीं मिली है। तो ये चीज के लिए मैंने सिराज को आपको बोला था कि आप सिराज से ऊपर शमी को देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, वैसे भी यार एक्सपीरियंस बोलता है भाई। यहाँ पर इंग्लैंड को कमजोर मत समझना, कमजोर जरूर है लेकिन हौसले नहीं टूटे होंगे। तो गाइस प्लेइंग 11 की बात कर ली है, एक्स्ट्रा प्लेयर के स्टैट्स आप देख सकते हो, जो एक बदलाव इस मैच में होते हुए दिख सकता है अगर आपको, मुझे लग रहा है कि हो सकता है, मे बी, बहुत मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन अश्विन को आप खेलते हुए शायद इस मैच में देख सकते हो। तो आप थोड़ा सा डेटा देख लो, 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, इंग्लैंड के अगेंस्ट 22 मैच में 35 विकेट निकाली है। गाइस आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर बॉलिंग ऑर्डर क्या रहने वाली है इंडिया की तरफ से, तो पावर प्ले में बॉल डालेंगे शमी, सिराज, बुमराह, जहां पर शमी और बुमराह बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और सिराज को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। मिडिल में कुलदीप, शमी, बुमराह एंड जडेजा, डेथ में बॉल डालेंगे बुमराह, सिराज, शमी। तो गाइस बॉलिंग ऑर्डर यही रहेगी, जिसमें से बुमराह के पूरे ओवर होंगे, शमी के पूरे ओवर होंगे, ऑलमोस्ट चांस है यहाँ पर अगर मैं बताऊं कि अगर कुलदीप की बॉलिंग अच्छी होती है स्टार्टिंग में तो कुलदीप भी अपने पूरे ओवर डालेंगे, जडेजा के ओवर कटेंगे, यहाँ पर सिराज के यहाँ 1-2 ओवर कट सकते हैं, तो देखेंगे वो तो बाद में आपको मैं अपडेट टेलीग्राम पे दे दूंगी। अब बात कर लेते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। गाइज इंग्लैंड जो कि लास्ट ईयर की चैंपियन टीम रही, इस बार
कहाँ है, दिखाई नहीं दी मुझे वो इंग्लैंड, वो बटलर की पारी, मतलब वो जो बटलर हम जो आईपीएल में देखते हैं, जो जिस तरह से हर मैच में शतक जड़ते हुए हर मैच में हम कैप्टन बनाते हैं, वो बटलर पूरे वर्ल्ड कप में मिसिंग थे, नजर नहीं आया। और जब तक आपके प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे आपकी टीम कैसे जीतेगी। तो यहाँ पर देखो ओपन करते हुए नजर आएंगे जॉय बेस्टो का साथ देते हुए दिखेंगे डेविड मलान, फिर नजर आएंगे जो रूट, बेस्टो, बटलर, मोइन अली, खिलाड़ी कितने गजब के हैं, टीम परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही है। लियम लिविंगस्टन, डेविड विली, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स एंड मार्क वुड, यहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच में। बटलर मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर है, इसके अलावा मैं डेविड मलान के साथ जाऊंगी, रूट के साथ जाऊंगी, और यहाँ पर अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग आती है तो मैं यहाँ पर बेन स्टोक्स के भी साथ जाऊंगी। तो ये चार खिलाड़ी मेरे टीम में होंगे, और पांचवा खिलाड़ी अगर कोई होगा तो वो होगा डेविड विली। बाकी अगर पहले बॉलिंग आती है तो वहां पर मैं चेंज करूंगी, वहां पर हो सकता है मैं रूट और स्टोक्स में से किसी को ड्रॉप करके मैं वोक्स या मार्क वुड या आदिल रशीद में से किसी के साथ जाऊंगी। आदिल रशीद ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है स्पिनर्स फंसाते हैं कोहली वोली को, तो वो थोड़ा सा एक नोटिसेबल करने वाली चीज है। तो गाइज ये बात हुई है प्लेइंग 11 की, अब बात करेंगे सारे खिलाड़ियों के स्टार्स की। बेस्टो की परफॉर्मेंस देखिए 33-52-2-10 आखिरी मैच में 30। अब देखो आखिरी तीन मैच में बेस्टो भी फ्लॉप रहे, क्या इस मैच में बड़ी पारी आएगी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बुमराह की गेंद को झेलना बेस्टो के लिए। हो सकता है बुमराह के पहले ओवर में बेस्टो अपना विकेट खो दे। इसके अलावा बात करेंगे इंडिया के अगेंस्ट, 16 मैच में 627 रन, 42 के एवरेज से। डेविड मलान 14-140-32-6 आखिरी मैच में 28 रन। इंडिया के अगेंस्ट 2 मैच में 66 रन मारा है। रूट की बात करेंगे 77-82-11 रन एक विकेट। लास्ट 2 मैच में रूट भी फ्लॉप हुए हैं, क्या रूट इस मैच में रूट बनाएंगे इंग्लैंड की? देखते हैं। इंडिया के अगेंस्ट 19 मैच में 739 रन, 46 का एवरेज है। परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट रूट की देखो अच्छी है, तो इसलिए रूट को तो रखना बनता है। लिविंगस्टन की बात कर लेते हैं, 7 रन 0 विकेट 20 रन 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली है। इंडिया के अगेंस्ट 5 मैच में 123 रन, 2 विकेट। बटलर 43-20-9-15-8 यहाँ पर देखो बटलर पूरा कंप्लीटली फ्लॉप है। इंडिया के अगेंस्ट 19 मैच में 425 रन, 22 का एवरेज। स्ट्रोक्स ही बात करेंगे जो कि हर एक मैच बहुत एक मैच में ड्रॉप जाते हैं, यहाँ पर एवरेज परफॉर्मेंस आई थी तो यहाँ पर ड्रॉप जाने के चांसेस बहुत ज्यादा। इंडिया के अगेंस्ट 17 मैच में 522 रन, 35 की एवरेज है। आगे अगर बात करें यहाँ पर विली की तो 19 रन 1 विकेट 2 विकेट 12 रन। लास्ट मैच में देखो 14 रन 2 विकेट लिया था। इंडिया के अगेंस्ट 9 मैच में 146 रन, 9 विकेट निकाली है। बॉक्स की बात करें आखिरी 5 मैच में सिर्फ एक मैच में विकेट आई है, वो भी 2 विकेट आई है। लास्ट 2 मैच से विकेट नहीं आई है, यहाँ भी 2 विकेट बॉक्स को मिल सकती है। इंडिया के अगेंस्ट 12 मैच में 17 विकेट निकाली है। मोइन अली की बात करें 4 विकेट 56 रन 11 रन 15। लास्ट 2 मैच से विकेट नहीं मिली है। इस मैच में आपको ग्रैंड लीग में इंग्लैंड की तरफ से मोइन अली का साबित हो सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट। 16 मैच में 377 रन, 9 विकेट निकाली है। हालांकि बहुत रिस्की प्लेयर ये रहने वाले हैं। आदिल रशीद की बात करेंगे 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट। लास्ट मैच में विकेट नहीं मिली थी इंडिया के अगेंस्ट। 8 मैच में 9 विकेट बहुत ही महंगे साबित होते हैं। मार्क वुड 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट। लास्ट 2 मैच से वुड को भी विकेट नहीं मिली इंडिया के अगेंस्ट। 6 मैच में 7 विकेट। तो गाइज ये बात मैंने प्लेइंग 11 के स्टार्स आपको बताई है कि कौन से प्लेयर रिस्की है, कौन से प्लेयर आपके स्मॉल लीग में सेफ रहेंगे। एक्स्ट्रा प्लेयर की स्टैट्स भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर इंग्लैंड की बॉलिंग ऑर्डर देखें तो पावर प्ले में वुड, वोक्स, विली बॉल डालेंगे, जहां पर विली की ज्यादा चांसेस होते हैं विकेट मिलने के। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल ओवर में मार्क वुड, लिविंगस्टन, मोइन अली, जो रूट एंड आदिल रशीद बॉल डालेंगे। डेथ में बॉल डालेंगे मार्क वुड, क्रिस वोक्स एंड डेविड विली। तो गाइस देखो इंग्लैंड की बॉलिंग ऑर्डर यही रहने वाली है, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। आज के आगे ये बात हुई है एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस की, अब बात कर लेते हैं एज अ टीम परफॉर्मेंस। अगर हम देखें दोनों टीम की बात करें गाइस की, यहाँ पर जब आमने सामने होती है तो कौन सा प्लेयर ज्यादातर मैच में आपको परफॉर्म करके देता है, तो आप देख सकते हो दोनों टीमों ने 106 मैच आमने सामने खेले हैं। 57 मैच इंडिया ने जीता है, 44 मैच जीता है इंग्लैंड ने। तो यहाँ पर इंडिया का पलड़ा भारी है। लास्ट मैच जो खेला गया था उसे भी इंडिया ने जीता था। बटलर ने वहां हाफ सेंचुरी लगाई थी, स्टोक्स ने 27, लिविंगस्टन ने 27, टोपले को 3 विकेट मिली थी, वैनकार्स को मिली थी 1 विकेट। सामने वाली टीम से पांड्या, जो कि नहीं हम इनको मिस करेंगे, 71 रन मारा था। इसके अलावा पांड्या ने 4 विकेट भी लिया था। सिराज को 2 विकेट मिली थी और जडेजा को 1 विकेट मिली थी। इससे पहले वाले मैच देखेंगे जहां पर कि इंग्लैंड ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए इंडिया को 100 रन से हराया था, वहां पर बेस्टो ने 38 मारा था, मोइन अली 47, डेविड विली 41, यहाँ पर टोपले को 6 विकेट, विली को 1 विकेट, मोइन अली 1 विकेट। क्या
यार इस टोपले को खिलाना चाहिए इस मैच में। इसके अलावा बात करें गाइस सामने वाली टीम से, यहाँ पर सूर्य कुमार ने एवरेज परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ पर भी हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों से धमाल मचाए थे। बुमराह को 2 विकेट मिली थी, शमी को 1 विकेट मिली थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैट्स गाइस सारे खिलाड़ियों के बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपके 2-4 प्लेयर यहाँ से कुछ सेफ प्लेयर निकल के आ जाएंगे। जैसे कि डेविड विली की बात कर ले, डेविड विली के स्टैट्स अच्छे लग रहे हैं मुझे। और इसके अलावा अगर हम बात करें बेस्टो के भी स्टैट्स अच्छे हैं। सामने वाली टीम से बात करें, जडेजा और शमी के स्टैट्स भी अच्छे नजर आ रहे हैं। तो गाइस ये बात प्रेडिक्शन की हुई है इस मैच में किसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मेरा प्रेडिक्शन सीधे सीधे, मैं बहुत क्लियर हूँ, इंडिया इस मैच को जीतेगी, हम जीतेंगे, हम इस मैच को इंजॉय करेंगे। तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि इंडिया इस मैच को जीतने वाली है। आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करूँ तो इंग्लैंड अपने आखिरी 5 में से 1 मैच जीती है, इंडिया आखिरी 5 में से 5 मैच जीती है, 1 भी मैच नहीं हारी है, पॉइंट टेबल पर टॉप पे है। तो पलड़ा सीधे सीधे इंडिया का भारी, और इस मैच को भी इंडिया ऑलमोस्ट जीतने वाली है, एकदम फेवरेट रहेगी। बाकी क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम है, इंग्लैंड भी इस मैच में देखो यार अपना पूरा कोशिश करेगी इंडिया को मात देने की, ठीक है। और ऐसे ही मैच कभी कभी पलटते हैं, तो ये चीज याद रखे, ग्रैंड लीग में आप दोनों साइड से टीम बनाना, बिल्कुल सेफली टीम के साथ नहीं जाना है, दोनों साइड को विनिंग करा के टीम बना लेना है। तो गाइस प्रेडिक्शन की बात हुई है तो पैसे बनाओ स्पोर्ट्स बाजी पे, जहां पर आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडिया विल विन द ओडीआई मैच अगेंस्ट इंग्लैंड, अगर आपको लगता है कि इंडिया इस मैच को जीतने वाली है, क्या प्रोबेबिलिटी लगती है कि अगर इंडिया जीतेगी, तो आप यहाँ पर सिर्फ ट्रू और फॉल्स करके काफी पैसे बना सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो प्लेयर के स्टॉक खरीद सकते हो, जैसे कि अगर आपको लगता है बुमराह इस मैच में अच्छा करेंगे तो आप उनको स्टॉक परचेस कर सकते हो। आप देख सकते हो उनका स्टॉक, अगर आपको लगेगा चल रहे हैं तो आप गो लॉन्ग कर दो, लगेगा कि बुमराह फ्लॉप होने वाले हैं तो आप वहां पर गो शॉर्ट भी कर सकते हो। तो गाइस इस तरह की चीजें जो फैंटेसी के अलावा एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा आप स्टैट फैंटेसी में देख सकते हो कि आप ये सारी चीजों से भी बहुत सारे पैसे आप यहाँ पर स्पोर्ट्स बाजी पे बना सकते हो। तो जाओ फटाफट डाउनलोड करो और लाइव खेलो, लाइव में इन पैसे भी बनाओ, क्योंकि फैंटेसी टीम तो हम मैच स्टार्ट होने से पहले ही बना लेते हैं। तो गाइस चलो जान लेते हैं इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम क्या रहने वाली है। तो हमारे टीम में विकेटकीपर में बटलर राहुल, बैटिंग सेक्शन में रोहित, विराट, जो रूट, मलान, गिल, ऑलराउंडर में जडेजा, बॉलिंग सेक्शन में समी, बुमराह एंड कुलदीप के साथ हम जाने वाले हैं। कैप्टेंसी की सबसे सेफ एंड बेस्ट ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर किंग कोहली, वीसी के लिए आप रोहित शर्मा के साथ जा सकते हो, अदर ऑप्शन में आप चाहो तो राहुल और बटलर को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है गाइस। स्क्रीनशॉट लो, सेम टीम के भी साथ जाओगे, जबरदस्त विनिंग होगी, लिख के ले सकते हो गाइस, इस सेम टीम में आपको बहुत सारी विनिंग होने वाली है। लेकिन ये बात हुई है स्मॉल लीग की, इस मैच में ग्रैंड लीग किसको ट्राई करना है, आपके 6 फिक्स प्लेयर कौन से होंगे, तो किंग कोहली, कुलदीप, शुभमन गिल, बटलर, बुमराह एंड जो रूट, ये मेरे 6 फिक्स प्लेयर हैं जिनको आपको अपनी ग्रैंड लीग की सारे टीम में जगह देनी है, किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना है, और कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है कि इन 6 में से ही किसी को बनाए ताकि कि जीतने के चांसेस ज्यादा हो। थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो आप, अगर आप पकड़ के यहाँ पर किंग कोहली को कैप्टन चलते हो तो आप वीसी कुलदीप के साथ, वीसी गिल के साथ, वीसी बटलर के साथ, बुमराह के साथ और रूट के साथ, इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर टीम बना सकते हो, जिससे कि मल्टीपल चांसेस हो सकते हैं विनिंग के, अगर आप नंबर ऑफ टीम ग्रैंड लीग में ज्यादा क्रिएट करते हो। और मैं हमेशा कहती हूँ ग्रैंड लीग में विनिंग करनी है, रिस्क उठाना ही पड़ेगा, आप बहुत सेफ खेल के ग्रैंड लीग कभी नहीं जीत सकते। हम लोग स्मॉल लीग में रिस्क ले रहे हैं, हम स्मॉल लीग में रिस्क लेते हैं ताकि वन साइडेड विनिंग हो, तो गाइस ग्रैंड लीग में रिस्क लेना पड़ेगा ना, सेफ नहीं खेलना है। बाकी तो आप सबको पता है मेरी फाइनल टीम यहां नहीं आएगी, क्योंकि मेरी फाइनल टीम आती है मेरे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन है। तो गाइस फटाफट जाओ मेरे टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ जाओ और विनिंग करना स्टार्ट करो। अभी वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैच बचे हैं, यहाँ पर अभी बहुत जबरदस्त विनिंग हम कर सकते हैं। और इस मैच का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है, पहला कि इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनने वाला है, और सेकंड क्वेश्चन ये रहने वाला है कि इस मैच में मोस्ट रन कौन बनाने वाला है, सबसे ज्यादा रन इस मैच में कौन बनाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन का आंसर एकदम सही सही कर देना, और यहाँ पर आप हैशटैग भी लगा देना गाइज इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के साथ हैशटैग भी हमें यूज कर लेना है। आई होप सो आपने देख लिया क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस हैं, मैंने विकेट नहीं रन पूछा है, तो सही सही आंसर कर देना गाइज। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच की पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कॉमेंट करके बताने वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, और इंडिया का मैच है तो ऑल द बेस्ट।